वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। निर्मल आयुर्वेदिक क्लीनिक तरन तरन साहब यूट्यूब चैनल दे सारे वीरां नूं वैद्य रविंदर सिंह वल्लों सत श्री अकाल। हाँ जी वीर जी, जिवें कि तुहानूं पता ही आ कि जिहड़ी करोना की महामारी आ इह काफ़ी खतरनाक जिहड़ा रूप धारण कर चुकी आ। इस चीज़ नूं आपां नूं मजाक दे विच नहीं लैणा चाहीदा। चलो गौरमेंटा का सरकारों का तो पता ही है किन्ना क अरेजमेंट प्रबंध कर रही हैं, पर फिर भी आपू परहेज रखना चाहिए वा। जिमें कि तुम सारे पता ही है कि जिमें मौसम का करके ठंडा पानी ना पीओ। जो सर्दी तो एकदम गर्मी आँदी आ उदों आपू थोड़ा हिसाब किताब न चलना चाहिए वा। ए सी की वरतों नहीं करनी चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तलिया चीज़ा नहीं खानिया चाहिए। इन सारिया चीज़ों का परहेज रख्या करो, कोसा पानी पीओ। बाकी तुहानूं जिहड़ा अज एक घरेलू आम घर विच वरतियां जाने वाली चीज़ां दा एक नुस्खा लिखावांगे। ये नुस्खा तुसीं जिहड़ा सारे जने अपने घर बना के पक्का रख्या करो। ये नहीं है कि करोना आ गई है तो इहदा करके, वैसे भी ये चीज़ जिहड़ी घर बना के रखनी चाहिए है सियाल दे विच, जां जदों मौसम खराब हुंदा वा, खांसी खंघ जुकाम नज़ला कुछ भी हुंदा, तो इस नूं आपां वरतों कर सकते हैं। छोटिया बच्चों भी दे सकते हैं, इस जी छाती रुकती नहीं आ, बलगम खंघ रेशा जुकाम सारा कुछ ठीक हो जाता वा। तो हों भी नहीं है जे आप हफ्ते दे विच एक दो बार जां तीन बार वरतों करिए। सो सारा समान तुसीं लिख लो। ये पहली गल तुहानूं किसी पंसारी कोलों लागे बन्ने मिल जाना वा, लियो सारा साबित लिया के घर पीस लियो। सब तो पहला दालचीनी 10 ग्राम, हरी इलाची 20 ग्राम, मगां 40 ग्राम, बनक्शा 40 ग्राम, मलट्ठी 40 ग्राम, गौजवान 40 ग्राम, तलीस पत्तर 40 ग्राम, तवासीर 80 ग्राम। तवासीर जिहड़ी आ एक मिश्री टाइप आउंदी, वह नहीं लैनी, ये थोड़ी हल्की क्रीम जिहे कलर दी हुंदी, डलियां बजियां हुंदियां वा छोटे छोटियां, वह लैनी आ। धागे वाली मिश्री 160 ग्राम, तो फुल सुहागा 20 ग्राम जिहनूं टंकण भी कहिंदे आ। ये सारिया चीज़ा तुम लै के इनू ग्रैंडर के पीस के बिल्कुल बरीक छाननी छान के मिक्स करके रख लेना वा। तो जिन्हों के खंघ जुकाम या नज़ला वा, वो तो इस चीज़ की घट्टो घट 15 दिन सवेरे शाम वरतों करे। चमचे का चौथा हिस्सा थोड़ा जहा शहद लैके रला के खाना खाने तो बाद सवेरे शाम तुम चट लैनी आ। तो छोटे बच्चे 3 साल तो लैके 8 साल के बच्चे छोटी जी चुटकी एक लैके शहद के रला के चटा देनी आ। बहुत ही वधिया नुस्खा वा। जे आपां हुण आ चल रही बीमारी के दौरान जिन्हों नहीं भी नज़ला जुकाम रेशा हैगा, वह भी ये हफ्ते दे विच 2 या 3 दिन यूज़ कर सकता वा। क्योंकि बीमारी लगन तो पहला ही आपां परहेज या कोई भी आपां इलाज शुरू कर दिए तो उहदा ज़्यादा फायदा हुंदा वा। जदों बीमारी लग जाती आ उदों फिर अपने शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो कोई भी जी दवाई है वह छेती असर नहीं करती, क्योंकि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक जी शक्ति है, रोगों ना लड़न की शक्ति है, वह बीमारी लगन के कारण डाउन हो जाती है। पहला ही आपां नूं खाण पीन का परहेज रखना चाहिए वा। ताकत वाली चीज़ा खाओ, जिवें फल फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, दुध पिया करो, जूस किसी फ्रूट का लिया के, क्योंकि हुण आप परहेज करो बाहर जाण तों, घरे लिया लियाओ हर एक चीज़, फल फ्रूट घर लैओ उहदा कट के खाओ, जां जूस कढ के पी लो, सलाद खाओ, वधिया डाइट लो, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखो। सो ठीक है वीर जी, वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो तां कि हर एक तक जिहड़ी आ वीडियो पहुँच सके। तो ये सारियां दवाइयां जिहड़ियां आयुर्वेदिक दवाइयां वा, ये लिया के तुसीं बना के घर रख छड्या करो, बहुत ही ज़्यादा वधिया नुस्खा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।